हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। प्रदेश में वन संपदा निरंतर समृद्ध हो रही है। हाल ही में हमें पूनो में नवागत मेहमानों का शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी से भेंट में भी प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अनुमोदित करेगी। इसके साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 गोर ट्रांसकोलेशन की अनुमति पर भी शीघ्र सहमति मिली। संजय टाइगर रिजर्व में गोर पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत ट्रांसलोकेट 50 गोर के रक्त नमूना एकत्र करने की अनुमति भी शीघ्र प्राप्त होगी। केंद्रीय मंत्री जी से हमने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 की केंद्र प्रवर्ती योजना की लंबित किस्त शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भारत सरकार के स्तर से शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही फसल हानि करने वाले 400 कृष्ण मृग के ट्रांसलोकेशन के संबंधी प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार शीघ्र ही अनुमोदन प्रदान करेगी। धन्यवाद।